आज हम कार्डशीट पेपर से बॉक्सेस कैसे बनाए जाते हैं वो सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। बॉक्सेस की सामग्री: कार्डशीट पेपर, डायग्राम, स्केल, कैची, कटर, इरेजर, कंपास, पेंसिल कलर्स, स्केच पेन्स, स्पार्कल कलर्स, डेकोरेशन, ग्लू ड्रॉप्स एंड फेविकॉल। तो आइए शुरू में ये डायग्राम हम बनाते हैं। पिरामिड बॉक्स का डायग्राम है ये। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है मैंने, 4 सेंटीमीटर की जगह छोड़ देनी है पेपर पे और एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है, बिल्कुल सीधी लाइन निकालनी है। फिर कंपास से 14 सेंटीमीटर नाप लेना है और 14 सेंटीमीटर के हम 4 ट्रायंगल बनाएंगे। तीनों बाजू 14 सेंटीमीटर की रहेगी इस ट्रायंगल में। यदि आपकी गिफ्ट बड़ी है तो आप 20 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 25 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 30 सेंटीमीटर ले सकते हैं। गिफ्ट के हिसाब से आपको ये नाप लेना है। फिर जो मार्किंग पॉइंट्स है उस पर लाइन बनाना है और ये ट्रायंगल कंप्लीट कर देना है। ये रहे 4 ट्रायंगल। अब 2 सेंटीमीटर की लाइन बना के हमें फ्लैप बनानी है। ये 2 सेंटीमीटर यहाँ और दूसरी बाजू में भी ट्रायंगल की लाइन से मैच करके 2 सेंटीमीटर की लाइन और फिर ये जोड़ देना है। इस तरीके से 3 बाजू में हम ये फ्लैप बनाएंगे। ये देखिए, ट्रायंगल की लाइन मैच करना बहुत ज़रूरी है स्केल को, 2 सेंटीमीटर और फिर स्ट्रेट लाइन। फिर एक्स्ट्रा लाइन जो दिख रही है वो इरेज कर देना है और फिर ट्रायंगल का सेंटर निकाल के 7 पे डॉट दिया है, 6, 7 और 8 सेंटीमीटर पे, 6, 7 और 8 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे 6, 7, 8 सेंटीमीटर पे और यहाँ पे भी। यहाँ पे हम स्क्वायर फ्लैप बना रहे हैं जिसे हम इंसर्टर कहेंगे, जिससे हमारा बॉक्स लॉक हो जाएगा। ये रहा स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का। अब हमें बहुत सावधानी से कटिंग करना है, कार्डशीट पेपर का कटिंग बहुत फाइनली करना है ताकि हमारा बॉक्स परफेक्ट बने। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आपका गिफ्ट यदि बड़ा रहे तो आप ट्रायंगल का नाप बढ़ा लीजिए। ये देखिए, कटिंग बहुत अच्छे से हो रहा है और कटिंग के बाद फोल्डिंग भी बहुत परफेक्टली होना ज़रूरी है। फोल्डिंग करते समय हम स्केल यूज़ करेंगे और जो भी ट्रायंगल की लाइंस दिख रही है उस पर फोल्ड करेंगे। अच्छे से प्रेस करना है। ये देखिए, फोल्डिंग के लिए स्केल का यूज करो। सब फ्लैप भी फोल्ड की है और चारों ट्रायंगल भी। ये देखिए फ्लैप का फोल्डिंग। और फिर कटिंग भी करना है जहाँ पे हमने 6, 7, 8 सेंटीमीटर के डॉट्स लगाए थे। अब हमें एक फ्लैप चिपकानी है, तो ग्लू ड्रॉप लगाना या फेविकॉल लगा लो आप। ये चिपका दी और अब हमें गिफ्ट डालना है। मुझे कीचेन गिफ्ट देना है, इंसर्ट करना है और लॉक कर देना है बॉक्स। ये देखिए पिरामिड शेप का बॉक्स हो गया। फिर हम उसके ऊपर डिज़ाइन निकाल सकते हैं। स्केच पेन से निकालो या ब्रश पेन से या पोस्टर कलर से, पेंसिल कलर से, क्रेयॉन्स से, या आपके पास कुछ पैचेस रहेंगे वो भी लगा सकते हैं, कुछ स्टिकर्स रहेंगे तो वो भी लगा सकते हैं। पेंसिल कलर से पेंटिंग कर रही हूँ मैं ताकि इसको कंप्लीट लुक आ जाए। ये बॉक्स पिरामिड शेप का बनता है। आप इसमें कैडबरी दे सकते हैं, छोटा बॉल गिफ्ट दे सकते हैं। ये देखिए, अच्छा लगा?
आइए हम अगला बॉक्स सीखते हैं। ये डायग्राम A3 पेपर पे, कार्डशीट पेपर पे प्रिंट करवा के लाया, जेरोक्स करवा के लाया और फिर आउटलाइन कट करके मुझे पिंक कलर का बॉक्स बनाना है, उस पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए बीच में स्क्वायर है तो वो जोड़ देना है, ये पॉइंट्स जोड़ दिए हैं। अब अच्छे से कटिंग करना है। कटिंग होने के बाद आप डायग्राम में देखिए कहाँ पे कट करना है, वहाँ पे कट दीजिए। ये देखिए अपोजिट साइड में कट दे रही हूँ ताकि ये बॉक्स लॉक हो जाए। अब आपको स्केल की सहायता से फोल्डिंग करना है और यदि आपको ऐसा लगे कि रेड कलर ऊपर आ जाए तो आप बॉक्स उल्टा बना लीजिए। रेड जो आउटलाइन बनाई थी वो आउटलाइन दिखने के लिए। ये देखो अभी हमें गिफ्ट रखना है, उसमें मैंने नेल पेंट रखी है और लॉक कर दिया है बॉक्स, एक दूसरे में ये फ्लैप इंसर्ट कर दी है। ये बड़ी सावधानी से करना है, आराम से करिए नहीं तो पेपर फट सकता है यहाँ पे। अब हार्ट शेप अच्छे से दिखने के लिए मैंने टिक्सो लगा दी है इसको और फिर डेकोरेशन। ऊपर की जो हार्ट शेप की लाइन है वो थोड़ी सी डार्क करती है। ये रहा हार्ट शेप्ड बॉक्स। आइए अगला बॉक्स सीखते हैं। इसको बास्केट भी कह सकते हैं, डिजाइनर बास्केट। ये डायग्राम मैंने कलर पेपर पे प्रिंट करवा के लाया, जेरोक्स करवा के लाया A3 पे। A4 भी बना सकते हैं आप, या इससे बड़ी बास्केट बनानी है तो वैसे भी बना सकते हैं। व्हाइट पेपर कार्डशीट पे भी बना सकते हैं, मैंने कलर कार्डशीट पेपर यूज़ किया है। कटिंग के बाद फोल्डिंग बहुत अच्छे से होना ज़रूरी है। ये देखो आपके डायग्राम में यहाँ पे कट लिखा है, वहाँ पे आपको कट करना है। संभल के करना नहीं तो कटर से उंगली कट जाएगी। ये देखिए ये कट होने के बाद फिर से स्केल लेनी है और सेंटर लाइन फोल्ड करनी है हमें। अच्छी से प्रेस करना है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, कटिंग और फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पेटल्स हमें फोल्ड करनी, मैंने कैंची ली हाथ में और ये लाइन ऐसे फोल्ड करनी है, संभल के करनी है, परफेक्टली करनी है। ये देखो पीछे में पिंच करना है हमें, ऐसे चारों पेटल्स हमें पिंच करके ये फोल्ड परफेक्ट बनाना है। आप स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हैं या स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कैंची से कर रही हूँ, पर पेपर कभी कभी फट जाता है तो संभल के करना है आपको। अब हमें पेस्टिंग करना है, ये ग्लू ड्रॉप है, आप फेविकॉल लगा लो, जहाँ पे लिखा है पेस्ट ऑन अपोजिट साइड वहाँ पे फेविकॉल लगाओ और वो साइड पेस्ट कर दो। ये देखिए ये बन गई सुंदर सी बास्केट। अब हमें ऊपर हैंडल में डिजाइन करनी है। मैंने स्पार्कल कलर लिया है, उससे आउटलाइन कर रही हूँ हैंडल की। आप लेस भी लगा सकते हैं या दूसरे कलर का पेपर भी वहाँ पे लगा सकते हैं, पोस्टर कलर से पेंट भी कर सकते हैं या पेंसिल कलर से भी आप डिज़ाइन निकाल सकते हैं। मैंने गोल्डन और रेड स्पार्कल कलर यूज़ किया है। ये देखिए सुंदर दिख रहा है। इसके बाद आपको गिफ्ट रखना है। मुझे हेयर बैंड गिफ्ट देना है, छोटी बच्ची है उसको गिफ्ट देना है, हेयर बैंड रख दिया अंदर और रिबन का बो बनाया और ऊपर लगा दिया है। हैंडमेड पेपर की भी बहुत सुंदर बास्केट्स बनती हैं जिसपे प्रिंट रहती है। ये देखिए कार्डशीट पेपर है, ये हैंडमेड पेपर है। ये रही अपनी डिज़ाइनर बास्केट। आइए अगला बॉक्स देखते हैं, स्क्वायर बॉक्स। ये रहा डायग्राम, ये पूरा कट करना है इस तरीके से और अब इसको फोल्ड करना है। फोल्डिंग करते समय बीच का जो स्क्वायर है वो फोल्ड करना है और जहां पे आपके डायग्राम में कट लिखा है वहां पे कट देना है। ये मैंने कट देकर ही पेपर रखा है। गिफ्ट डाल दी मैंने अंदर, केशर की डिब्बी डाली है,
आप कुछ भी डाल सकते हैं, कैडबरी भी रख सकते हैं, चॉकलेट्स भी रख सकते हैं, कफलिंस भी रख सकते हैं, छोटी अंगूठी भी रख सकते हैं। दो फ्लैप जोड़ के वो कट जो पोर्शन है उसमें इंसर्ट करना है, बहुत संभल के नहीं तो फट जाएगा पेपर। ये देखो, डेकोरेशन चिपकाना है, बन गया आपका सुंदर सा बक्सा। छोटे छोटे बक्से एक कार्डशीट पेपर में दो चार बन जाते हैं। ये रहा डायग्राम और ये रहा बॉक्स, ये आप बनाइए अपने हिसाब से। तो बच्चों जरूर एक बॉक्स जरूर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्ण।